नो पोनी। आज आप लोगों ने तंग करके रखा हुआ, आज मैं बाल कटवा आऊंगा। नो पोनी बाबा, मुन्नी नो पोनी बाबा, मुन्नी I'm not your bike. Ali, stop it. I'm not your bike. Get down. Ali, stop it now. Get down. Baba baal katwa launga. Ye dekho kya hal kar diya aapne baba ke baalon ka. Baba bunni, baba bunni, baba down. Bunni. No, no pony. No, no pony. Ha, pony cut karo. Aa dunga aaj main. Chalo hato ab baba ke paas se. Hato, baba ko nashta karne do. Breakfast ready. Let's go. Guys, what's up? Assalamu alaikum. Back again with another vlog. Topic से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का vlog मेरा किस लिए है. Finally, I got a new haircut after approximately 10 months. 10 महीने से मैं बाल बड़े रख रहा था, शौक चढ़ा था. चलो ट्राई करते हैं बड़े बाल रख के. लेकिन at the end, I realized
कि बड़े बाल मुझे ज़्यादा सूट नहीं करते छोटे की नस्बत। और वजह भी थी छोटे बालों की कि सारे बहुत तंग थे घर वाले भी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइफ में इतने बड़े बाल रखे थे, वरना मेरे हमेशा छोटे ही रहते थे बाल। स्पेशली सिंस आई बीन टू ऑस्ट्रेलिया लाइक इन लास्ट 9 ईयर्स मेरे हमेशा इतने ही बाल रहे हैं, कभी मैंने इससे बड़े बाल नहीं रखे। बट कुछ अर्सा पहले मुझे शौक चढ़ा था बड़े बालों का, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं सूट करते हैं कि नहीं। इट टेक्स अबाउट 10 मंथ्स टू गेट दैट लॉन्ग हेयर, बट फाइनली आई रियलाइज मेरे लिए नहीं थे वो, नॉट गुड फॉर मी, छोटे बालों में ज़्यादा बेहतर लग रहा हूँ। तो सोचा चलो आज हेयर कट करा लेते हैं और देखते हैं इज इट लुक्स गुड। क्या बात है, जबरदस्त। वेदर चेक करें। और इसकी एक और रीज़न भी थी जो कि आपने वीडियो के शुरू में देख ली होगी, व्हेन यू हैव अ किड्स स्मॉल किड लाइक माइन, वो आपके बड़े बाल रहने नहीं देते सुबह सुबह आपके बालों के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं, फिर उन बालों को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों से बातें भी सुनी, घर वालों से भी, लेकिन शौक था रखा, फिलहाल आई हैड इनफ एंड वॉज थिंकिंग टू गेट रिड ऑफ द लॉन्ग हेयर। तो टेल मी हाउ इट लुक्स, लॉन्ग हेयर इज़ मच बेटर और दिस वन शॉर्ट हेयर? अपनी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और शायद कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करें, क्योंकि जिस जगह मैं गया हूँ ही वॉज द बेस्ट लोकल हेयर ड्रेसर। इट्स रियली नाइस वेदर टुडे, इट्स क्लाउडी, यू कैन चेक ऑन माई बैकग्राउंड, इट्स रियली डार्क, देयर मस्ट बी रेन ओवर देयर। और एक अच्छे वेदर के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी सुबह के साथ और एक अच्छे हेयर कट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई लोकेशन के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।